हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अफगानी चिकन करी का रेसिपी, और ये रेसिपी मैंने मेरी फ्रेंड अंकिता से सीखी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसे बनाते हैं। पहले हम एक पेस्ट बनाएंगे, और जिसके लिए चाहिए प्याज, धनिया के पत्ते, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। थोड़ी सी पानी के साथ इन सब को ग्राइंडर में डाल के हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मैरिनेशन के लिए अब हम चिकन के ऊपर आधा पेस्ट डाल देंगे। फिर इसमें जाएगा नमक, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई काली मिर्च, और हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी और दो बड़े चम्मच भर के चाट मसाला। अंत में दो बड़े चम्मच खट्टा दही डाल देंगे। सारे मसाले को चिकन के साथ अच्छे से मिला के 4 घंटे के लिए या फिर पूरी रात फ्रिज में रख देना है। डिटेल रेसिपी के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। उसके बाद एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें सारे चिकन को डाल देंगे। हाई फ्लेम में 10 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। 10 मिनट के बाद चिकन का कलर डार्क हो जाएगा और एक अच्छा सा भुना खुशबू आना चालू हो जाएगा। तब हम चिकन को पैन से उठा लेंगे। हम बहुत ज्यादा समय तक फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन को हमें ग्रेवी में भी पकाना है। उसी पैन में हम थोड़ी और तेल डाल देंगे, और जो आधा पेस्ट हमने बचा कर रखे थे वो अब हम इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम में 10 से 15 मिनट के लिए हम मसाले को फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चा स्मेल पूरी तरह से चला जाए। फिर हम यहाँ पे 3 चम्मच काजू बादाम का पेस्ट ऐड करेंगे। आप आमंड का पेस्ट भी यूज कर सकते हो। मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, या फिर बादाम का कच्चापन जब तक चला ना जाए तब तक हम कुक करेंगे। अपने स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे। मसाला जब तेल छोड़ने लगेगा तब हम फ्राई किए हुए चिकन को डाल देंगे। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद एक बड़ा कप गर्म पानी हम इसमें डाल देंगे। एक बार फिर मिक्स कर लेंगे और चिकन सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चिकन सॉफ्ट हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, मलाई यानी कि फ्रेश हेवी क्रीम, और थोड़ी सी मक्खन यानी कि बटर। एक बार फिर से मिला लेंगे और यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा अफगानी चिकन करी का रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। इसे आप गर्मा गर्म रोटी या नान के साथ एंजॉय करो, और तब तक के लिए गुड बाय।